नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में शॉकिंग खबर सामने आ रही है। फेमस एक्ट्रेस एंड्रिलिया शर्मा का निधन हो गया है। मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट आने के बाद एक्ट्रेस ने 20 नवंबर को दम तोड़ दिया। बीते कुछ दिनों से एक्ट्रेस की हालत नाजुक थी और अब उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया है। एंड्रिलिया शर्मा का इतनी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह देना तमाम चाहने वालों के लिए सदमे में है। एक्ट्रेस लंबे समय से बीमार थी। एंड्रिया को मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट आए थे। हार्ट अटैक आने के बाद एक्ट्रेस का डॉक्टर्स ने CPR भी किया था। हालांकि उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। 1 नवंबर को बेहोशी की हालत में उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया था और बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस को 15 नवंबर को मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई थी और वो वेंटिलेटर पर थी। कार्डियक अरेस्ट आने से पहले एक्ट्रेस को ब्रेन स्ट्रोक भी आया था, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ब्लड क्लॉट्स जमा हो गए थे। ब्रेन स्ट्रोक के बाद एक्ट्रेस का मल्टीपल कार्डियक अरेस्ट आने के बाद निधन हो गया। डॉक्टर्स की टीम ने एंड्रिया को बचाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन बीमारी से लड़ते लड़ते वे जिंदगी की जंग हार गईं।